हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। स्वागत में आपको क्रिकेट से लेकर बड़े-बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिल सके। पहली बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है उमेश यादव के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि उमेश यादव पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है और उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस किया गया है। अब तीसरे टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। टी राजन को भी, अब शार्दुल ठाकुर को भी इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया है उमेश यादव की जगह पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है केन विलियमसन के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, केन विलियमसन टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पर पहुंच गए हैं। स्टीव स्मिथ और विराट कोहली को पीछे छोड़ के केन विलियमसन टेस्ट के नंबर वन बैट्समैन बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि विलियमसन नंबर वन टेस्ट के नंबर वन खिलाड़ी बन गए हैं। तीसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है नील वैगनार के हवाले से। न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर नील वैगनार दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नील वैगनार खेलते हुए नहीं दिखेंगे, वो दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं इंजरी के कारण, वो दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। और चौथी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है सुरेश रैना के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरेश रैना ने श्रीशांत जो जिन्होंने 10 जनवरी से होने वाली सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए देखेंगे, सुरेश रैना ने उनको बधाई दी है, उनसे कहा है कि आने वाले सालों में वो इससे और अच्छा खेले और वो IPL में भी खेले। ये कहना है सुरेश रैना का कि श्रीशांत विशेष उन्होंने की है श्रीशांत को कि वो आने वाले सालों में और अच्छा खेले और वो पीछे जो भी हुआ वो सब भूलकर अच्छी इनिंग की शुरुआत करे और अच्छा क्रिकेट खेल के IPL में जगह बना ले। ये कहना है सुरेश रैना का जो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए दिखेंगे। श्रीशांत बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।